हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीआई न्यूज़। अगर आप भी सीएडब्ल्यूडी के स्टूडेंट और मई 2024 में एग्जाम दे रहे हो तो आप सभी के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मॉक टेस्ट पेपर कहाँ से डाउनलोड करें, कि आईसीएसआई जो मेन एग्जाम होगा उसमें मॉक टेस्ट क्वेश्चन दे सकती है कि नहीं दे सकती है। प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट पेपर स्टूडेंट डाउनलोड करना चाहते हो तो यही वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आप डाउनलोड करोगे और क्या मॉक टेस्ट पेपर आपके मेन एग्जाम में आते हैं। डिटेल बताऊँ उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कल ना आपको सी एस डब्ल्यू डी रिगार्डिंग सारी अपडेट हमारा जल्दी देगा। देखिए पहले डाउनलोड करने के लिए आपको आईसीएसई वेबसाइट पर आना है, सी एस डब्ल्यू डी पर क्लिक करना है, सी एस डब्ल्यू डी मॉक टेस्ट पेपर क्लिक करना है। अभी जितने भी मॉक टेस्ट पेपर आपके मेन एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एज इट इज आपको उठ के आपको मेन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो आपका जो मॉक टेस्ट पेपर है वो आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन वो आपको मेन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अच्छी प्रिपरेशन के लिए आपको कम से कम एक दो बार इसको करना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आपने कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं किया तो एक तारीख को दो तारीख को मॉक टेस्ट पेपर होंगे तो उसको आप दे लेना। मॉक टेस्ट पेपर के रिगार्डिंग आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगी कल रात को 30 तारीख को रात को 12 बजे तक, या फिर अगर आपका 2 तारीख को एग्जाम है या 30 तारीख को आपको आईडी पासवर्ड नहीं मिली या कोई टेक्निकल एरर आ गया तो आपको 1 तारीख को रात को 12 बजे तक आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। इसके रिगार्डिंग कल मैं अपडेट लाऊंगा, वीडियो लाऊंगा, तो चैनल से जुड़े रहना। और आपके जो एग्जाम के रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि टेलीग्राम चैनल से ही आपको हर चीज़ के बारे में पता चलेगा, आपको एग्जीक्यूटिव के बारे में और आपके प्रोफेशनल के बारे में। आपसे हम मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।